गांव में स्कूल है लेकिन पूरा टूटे फूटे की स्थिति में है, जर्जर हो गया है। 34 से कम 34, 15 दुनी 30। कभी कभी उसको मैं सोचता हूँ कि कहीं कुछ बच्चे को कुछ हो ना जाए। ग्राम पंचायत चोटीगुड़ा में आज 5-7 साल गुजर जाने के बावजूद भी माध्यमिक शाला जर्जर स्थिति में है और उसको सुध लेने वाला कोई आज तक नहीं पहुंचा है, जिससे वहां पढ़ने वाले लगभग 88 बच्चे ऐसे हैं जो आज अपने जान को जोखिम डालकर वहां पढ़ने के लिए विवश हैं। 5/3 कैसा लगता है स्कूल में बैठने से? डर सा बना रहता है। क्या हुआ स्कूल का? मरम्मत नहीं किए हैं, गिर जाएगा। आप लोगों ने सर से कहा है कुछ? कहा है। क्या क्या बोले हैं? हमारा नया स्कूल बना दीजिए। क्या बोलते हैं वो? ठीक है, बनवाएंगे बोलते हैं। बिल्डिंग खराब होने की वजह से कितने उपस्थिति में किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? बिल्डिंग खराब होने से 20% बच्चे तो शायद उनके गार्जियन भी बोल दिए, मना कर दे रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ाओगे तो हम लोग नहीं भेजेंगे, बाहर पढ़ाए कुछ दिन बैठे तो बोले उनका पसंद नहीं आया कि हम किसी के बरामदे में भेजेंगे। सर अभी देखने को मिला है एक बिल्डिंग इधर आधा उधर पड़ा है, एक बिल्डिंग उधर पड़ा है, ये किस योजना के तहत बन रहा था और कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? यहाँ प्रधान पाठक जो थे उनको दिए थे बनाने के लिए, अब वो उनका ट्रांसफर हो गया, निलंबन हो गया था, तो वो यहाँ से नहीं आ रहे हैं अभी, और पता नहीं कितने दिन से हो गया उनको, ये बना है, मैं तो अभी भी आया हूँ, अब बनेगा बोल रहे हैं, मैं पता लगाया तो बोले कि उनका एक किस्त बचा है, एक किस्त निकल गया। मैं शिक्षा मंत्री के आधार कश्यप के कार्यालय में भी अपना प्रस्ताव और लेटर जमा किया हूँ, वहाँ से पावती लेके आया हूँ, कलेक्ट्रेट में सूचना दिया हूँ मैं, कई जगह जन समय से सिविल लाइन में सूचना दिया हूँ मैं कि यहाँ का भवन पर ज़रूरत है, बच्चे बाहर में बैठ रहे हैं, तो अभी आप देखे हैं मतलब बिल्डिंग की स्थिति कैसा है, पूरा जर्जर स्थिति में जान जोखिम में डाल के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रस्ताव लिख के दोनों भवन को ताला लगा दिए हैं, बच्चे बाहर में बैठते हैं। मैं सोचता हूँ कि अपने बच्चे स्कूल जाकर कुछ उनको दिमाग हो या पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर कुछ गिर न जाए, कभी कभी यही बात पे मेरे को डर लगता है। ब्लॉक घरघोड़ा के बीओ श्री बी एन नायक को 94-25-57-18-94 पर फोन करें और स्कूल संबंधी इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि जल्द से जल्द इस स्कूल का मरम्मत हो सके और लोगों को यह डर न रहे कि बच्चे असुरक्षित हों, साथ ही बच्चे आराम से अपने भविष्य बनाने के लिए वहां अध्ययन कर सकें। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।